जिला व्यापार मंडल पठानकोट की ओर से प्रधान इंद्रजीत गुप्ता की देखरेख में ढांगू रोड पर कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए व्यापार और व्यापारियों के समक्ष त्योहारी सीजन में पेश आ रही समस्याओं को लेकर SDM गुरसिमरनजीत सिंह ढिल्लों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर समूह सदस्यों ने प्रधान इंद्रजीत गुप्ता, चेयरमैन विवेक माड़िया तथा महासचिव नरेंद्र वालिया व स्टेट अवार्डी समीर शारदा के नेतृत्व में उनका बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता ने त्योहारी सीजन खासकर दीपावली पर्व के चलते पटाखा कारोबारियों के समक्ष पेश आ रही परेशानियों को SDM के समक्ष रखा और कहा कि दीपावली पर्व के कुछ दिन पहले ही कुछ चुनिंदा व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किया जाता है, जबकि लाइसेंस की चाह में व्यापारी पहले से ही इस व्यवसाय में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, इसलिए आगामी पर्व पर 1.5 महीने पहले ही लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जिन छोटे दुकानदारों का पुराना पटाखा बच जाता है उसे सेल करने के लिए भी नियम निर्धारित किए जाएं। और वहीं उन्होंने SDM के समक्ष शहर में पार्किंग की अव्यवस्था का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इसके लिए बंद हो चुके ढलोजी रोड के पशु अस्पताल का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार में एक सरकारी स्कूल पर आसपास के दुकानदारों का कब्जा रहता है और स्कूल में बेहद कम बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें शहीद मक्खन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है और उक्त खाली हुई स्कूल की जगह को वेंडरों और रेहड़ी वालों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वहीं प्रधान इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि जिला व्यापार मंडल जिला प्रशासन के साथ व्यापार और व्यापारी की समस्याओं को हल करवाने के लिए हर समय खड़ा है, बशर्ते प्रशासन भी उनका सहयोग करे। एक अहम मीटिंग साड़ी अज हुई है तो ये असी एक तो इंट्रोडक्शन साड़ी सारे दे नाल जान पहचान हुई है नाल कुछ अहम मसले जिहड़े ने इन्हां वल्लों मेरे ध्यान में लिया गए हैं, जिवें कि अगले आने वाले फैसटिवल सीजन जो सा दिवाली का त्यौहार है ये संबंधी कुछ इशूज़ है वो डिस्कस किए ने, फायर क्रैकर लैके पटाखियां लैके इन्हां दी विक्री लैके, इस तों अलावा ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, तो स्ट्रीट वेंडिंग की समस्या, इन बारे एक प्रीलिमिनरी साड़ी इंट्रोडक्टरी साड़ी एक इन्होंने गलबात हुई है तो आने वाले दिनों के इस तरह की मीटिंग साड़ियाँ अगे भी होनगियाँ थोड़ी डिटेल्ड होनगियाँ तो जो भी मसले ये हाईलाइट किए जाएंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरत होंगी है कि लोगों का सहयोग मिले ता कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर समझ सके शहर में ये शहर दी सही जो जरूरत ने जो उन्हों की रिक्वायरमेंट्स ने वो पूरी की जा सकन। तो ये मैं बहुत धन्यवाद करता जिला व्यापार मंडल का कि इस तरह उन्होंने अज इनवाइट करके अज जिला व्यापार मंडल की तरफों व्यापारियों के हक लिए एक मीटिंग की गई है जिद साढ़े शहर के SDM इतने मुख्य तौर पर मेहमान से आए हैं, उन्होंने जिला व्यापार मंडल की तरफों स्वागत किया गया। अज जिहड़ियां समस्याएं व्यापारियों आ रही हैं ना उन्होंने सारे नालों बड़ी समस्या ये है कि जिहड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा उहदे विच जिद्दां कि पटाकियां दी गल आई है कि हुणे 5-6 दिनां दे विच दो व्यापारियों ते परचे होए ने, ठीक है जिहड़ा तां गलत काम करदा उहदे ते परचा होना भी चाहिए, जिन्हों का स्टाफ कोई पिछला बच जाता उन्होंने इदा मतलब कि इन्नी कि उन्होंने परमिशन मिलनी चाहिए है कि जोड़ा पिछला माल बचिया वो इस भारी वो दे सक। मैं जिला प्रशासन तो यह मंग करदा कि एक तो जोड़ा समय उन्होंने दिता 7 दिन का, देखो 7 तरीक इन्होंने ड्रा कढ़ने, 7 ड्रा कढ़न 8 या 9 व्यापारी माल लैन जाएगा, 11-12 13-14 उन्होंने माल मिलेगा, 14 फेस्टिवल है दिवाली है, एक दिन के 10-15-20 लाख का पटाखा लिया के या 50 लाख का पटाखा लिया के नहीं विकता, उन्होंने चाहिए प्रशासन में चाहिए जिला प्रशासन में चाहिए कि जोड़ा टाइम 7 दिन रखा अगले आने वाले फेस्टिवल कम से कम 1.5 महीना पहलों ये ड्रा कढ़िया जाए ता कि जोड़े कोई भी जोड़े स्टोर करते हैं पटाखा वो ना कर, हर व्यापारी इस आस्ते स्टॉक करता है कि यार मेरा ड्रा निकल जाना, स्टॉक करने का मेन रीज़न ही यही है कि टाइम बहुत घट दिता जाता प्रशासन की तरफों, अगर जिला प्रशासन यही टाइम 1.5 महीना पहले उन्होंने दे दे
तो कोई भी बंदा जिहड़ा पटाका जां कोई होर जिहड़ा काम है स्टोर नहीं करता तो ना ही व्यापारियों नूं आने वाले समय च कोई नुकसान होंदा। अज व्यापारी दुखी है, कोविड महामारी कारण बहुत दुखी है क्योंकि काम का 7-8 महीने वैसे नहीं चलिया, जिहड़ा माल पिछे बचिया सीगा पटाकियां दा वह लोगों का पिछले दिनों बिक जाता सीगा वो इस बार नहीं विकया। दूसरे नंबर पर जिहड़ी समस्या है शहर के ट्रैफिक की है क्योंकि फैसटिवल सीजन है, असी एसडीएम साहब तो यह मंग करांगे गांधी चौंक के खास करके रेहड़िया का बहुत जोर हो जाता शाम को 5 बजे तो बाद उस थोड़े जे दिन ट्रैफिक जरा पुलिस जी उ लगाई जाए ताकि 5 बजे तो बाद रेहड़िया जी उ बाजार आ जाए। सर 15 दिन अगर ये जिहड़ा है रेहड़िया वगैरह या होर कोई फड़िया वगैरह बाजार के ना लगन ताकि कोई भी हादसा ना हो। मैं अपने जिला व्यापार मंडल के सारे साथी के तरफों एसडीएम साहब के इत्थे आने बहुत बहुत धन्यवाद करदा, बहुत बहुत स्वागत करदा, तो उम्मीद करदा कि जिहड़ियां मंगां सी उन्होंने कीतियां व्यापारियों के हकों लई प्रशासन की तरफों ये हल कराएंगे ते नाल ही कुछ जगह ऐसिया अलॉट कराएंगे जिदे नाल एक ही जगह कोई पटाका वेच के कोई मोनोपली ना करे 5-7 जगह उन्होंने देंगे जिदे नाल एक तो लोगों को सुख हो जाएगा दूसरे नंबर पर पटाके की ब्लैकमेलिंग घट होगी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।